कि बच्चों को उचित वातावरण में परवरिश नहीं हो रहा है। माता पिता प्रत्येक घर कलह में जी रहा है। सैकड़ों बच्चे 20 किलो वजन लिए हुए गर्दन पर सर झुकाए हुए स्कूल कैंपस में दाखिल हो रहे हैं। यह स्कूल नहीं है, यह सब जेल है। टीचर को स्वयं समझ नहीं है कि हाउ टू बिहेव विद द चिल्ड्रन, उन्हें कुछ पता नहीं है। तो जहाँ कैद खाने का कंसेप्ट है वहाँ बच्चों के भविष्य का निर्माण नहीं हो सकता। नमस्कार, मैं हूँ अक्षयानंद, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। हमारे साथ आचार्य सुदर्शन जी महाराज हैं और शिक्षा और आध्यात्म से जुड़ा इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है इस क्षेत्र में। इनके जो स्कूल्स हैं उसमें भी यह प्रयास की जाती है कि बच्चों को पढ़ने के लिए एक अच्छा वातावरण मिले, साथ ही साथ अध्यात्म से जुड़े बात भी करते हैं सुदर्शन जी महाराज। तो हम इनके पास आए हैं और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ शिक्षा होती है जिससे एक समाज बदलता है। महाराज जी, आपके अनुसार अभी के हालात को देखते हुए क्या महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो बच्चों को भी लागू करनी चाहिए, जो विद्यालयों को भी लागू करनी चाहिए? पहली बात, आपके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण अंग होता है आपका बच्चा। आपने जीवन में कितना धन प्राप्त किया, कितनी संपत्ति प्राप्त की, कितनी ऊंचाई, कितनी कुर्सी ऊंची प्राप्त कर ली, ये कोई महत्व की बात नहीं है। बात है कि एज ए फादर, पिता के दायित्व निर्वाह में आपने कितनी सफलता प्राप्त कर ली, यह महत्वपूर्ण बात है। लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है कि आज न केवल बिहार में बल्कि पूरे भारत में, मैं जाता हूँ सभी विश्वविद्यालयों में, स्कूल में लोग मुझे बुलाते हैं, तमाम क्षेत्रों में जब मैं जाता हूँ तो एक ही समस्या सामने में है कि बच्चों को उचित वातावरण में परवरिश नहीं हो रहा है। प्रत्येक परिवार, प्रत्येक माता पिता, प्रत्येक घर कलह में जी रहा है। माता पिता आपस में लड़ाई करते हैं, भाई भाई लड़ाई आपस में करते हैं, परिवार में पूरा तनाव का वातावरण है। आप कल्पना करिए कि आपका बेटा एक 5 या 7 बरस का कोई बच्चा हो और वह अपने घर में रहता हो, सुबह सोकर उठता हो तो देखता हो कि माता पिता के अपशब्दों का प्रयोग, लड़ाई झगड़ा, कलह, तनाव, और जल्दी जल्दी वो बेचारे को तैयार करके धक्का मार के स्कूल भेज दिया जाता है, जैसे कि उस बेटे का, उस बेटी का कोई महत्व आपके परिवार में नहीं है। भेज दिया जाता है, आप किसी स्कूल के सामने में आप चले जाइए और कैमरा लेकर, आप तो चैनल वाले लोग हैं, कैमरा लेकर स्कूल के सामने खड़े हो जाइएगा, देखिएगा सैकड़ों बच्चे 20 किलो वजन लिए हुए गर्दन पर सर झुकाए हुए स्कूल कैंपस में दाखिल हो रहे हैं, जैसे किसी कारागृह में, किसी जेल में वह बच्चा जा रहा है। सहमा सहमा, डरा डरा, प्रताड़ित मन से, भयभीत। अब कल्पना करिए, आप लोग चैनल वाले हैं, अगर आपको यहाँ आने के पहले या स्टूडियो में जाने के पहले अगर कोई व्यक्ति प्रताड़ित कर दे, डांट दे, आपको कह दे कि हम मार देंगे या करेंगे, तो कितनी मानसिक दबाव में, कितने मानसिक दबाव में आप रहेंगे, और तब जाके आपको चैनल का काम करना होगा जो निष्ठापूर्वक आप नहीं कर पाइएगा। मेरा इतना ही कहना है कि आपने अपने बच्चों को देखा 20 किलो को वजन लिए हुए, सरकार क्यों नहीं प्रतिबंध लगाती है? सारे सिलेबस में 50 किताब 10 साल का 8 साल के बच्चे को गर्दन पर लाद कर स्कूल लाना पड़ता है, और यहाँ आने के बाद अब देखिए कि लगता है कि उसको हम जेल में जा रहे हैं। उसके बाद गेट में प्रवेश करेगा, सहमा सहमा, हमको तो डर लगता है कि कहीं बच्चे बेहोश न हो जाए, टीचर के तानाशाही और टीचर का ये चंगेजी स्वरूप है उसको देखकर टीचर कहीं भयभीत, बच्चे भयभीत न हो जाए। फिर भी बच्चे जाते हैं, आप जाइए वहाँ गेट पर खड़े रहिएगा। 5 घंटा के बाद जब बच्चे को कैद खाना का जीवन समाप्त हो जाएगा, जब वह जेल से निकलेगा, ये जितने स्कूल हैं सारे जेल हैं, यह स्कूल नहीं है, यह सब जेल हैं। क्योंकि बच्चों को प्रताड़ित करने का सबसे बेस्ट तरीका है कि किसी स्कूल में भेज दो, और टीचर वहाँ तानाशाही करता है। टीचर को स्वयं समझ नहीं है कि हाउ टू बिहेव विद द चिल्ड्रन, उन्हें कुछ पता नहीं है। किसी तरह थोड़ा बहुत पढ़ लिख कर लोग टीचर बन गया है,
इसलिए मैंने सरकार से भी मांग की थी ये किसी भी स्कूल के टीचर को बहाल करने के पहले बिहार सरकार के एक्सपर्ट टीम टीचर की योग्यता की जांच करे और टीचर की योग्यता अगर ठीक है तभी उसको स्कूल में पढ़ाने के लिए भेजा जाए। अब कल्पना करिए टीचर को बच्चे आपके घर से आए, एक तो माता पिता के दबाव में दोनों का जो परिवार में जो कलह हुआ तनाव हुआ यह अभी बड़ा नुकसान कर रहा है और उस माता पिता के तनाव के बीच में एक बच्चा छोटा सा 8 साल का वो सोफा सेट के बगल में डूबका हुआ है, ये दोनों भारत पाकिस्तान का चल रहा है तो उस बीच में हमारी क्या स्थिति होगी। वो स्कूल आता है, स्कूल में टीचर कहते हैं हिलो मत, बाथरूम भी वह अपनी मर्जी से नहीं जा सकता, हिलो मत, डोलो मत, बोलो मत, चिल्लाओ मत, भाई हम क्या करें। और उस परिस्थिति में किसी भी व्यक्ति को 6 घंटा क्लासरूम में रखा जाता है, एक चंगेज खा जाते हैं दूसरे आ जाते हैं, तो ऐसी परिस्थिति में बच्चों को बचाना बड़ा महत्वपूर्ण है। दूसरा देखिए, आपको मैंने बताया कि स्कूल आते समय बच्चा सामा सामा सिर झुकाया हुआ स्कूल में प्रवेश करता है और ठीक 5 घंटा के बाद किसी कैमरा को लेकर आप गेट पर खड़ा रहिएगा, जब छुट्टी होगी तो वही आपका बच्चा बेंच तड़पते हुए कूदते हुए जंप करते हुए चिल्लाते हुए स्कूल से बाहर निकलते हैं, जैसे कि वो कैद खाने से उसको मुक्ति मिल गई। तो जहाँ कैद खाने का कंसेप्ट है वहाँ बच्चों के भविष्य का निर्माण नहीं हो सकता। मैंने विदेशों में 20 कंट्री में विदेशों में जाकर मैंने शिक्षा सम्मेलनों में भाग लिया, देखा, बोला, लोगों को बताया, डरबन में भी सम्मेलन हुआ, मॉरिशस, तमाम क्षेत्रों में मैं गया, वहाँ जाकर भी मैंने यही बात बताई लोगों को, जब बच्चों को तनाव मुक्त करो, जो बच्चा चहकेगा नहीं, जो किलकारी नहीं मारेगा, जो मुस्कुराएगा नहीं, उसको कोई पढ़ा नहीं सकता। अब स्थिति ऐसी हो गई है कि टीचर को मैंने इसलिए कहा कि तमाम टीचर जो आजकल स्कूलों में दिख रहे हैं, मैक्सिमम कुछ लोग अच्छे हैं, दाढ़ी बड़ी हुई, बाल बिखरा हुआ, जींस फटा हुआ, चप्पल लिए हुए और क्रूएल पान खाए हुए बने अजीब, वैसे लड़के आपके बच्चे का भविष्य का निर्माण कर रहे हैं। तो पहले तो तनाव से बच्चों को बचाओ, ठीक है। और सरकार से भी हम अनुरोध करेंगे कि प्रत्येक स्कूल के लिए कंपल्सरी कर दिया जाए कि वह भारत सरकार बिहार सरकार से एक सर्टिफिकेट ले और लिखे कि यह विद्यालय पूरी तरह से तनाव मुक्त क्षेत्र है, ए टेंशन फ्री जोन, इसको कर दिया जाए तो हो सकता है कि हमारे बच्चों को। दूसरा, जो बच्चों का निर्माण करने वाले हमारे शिक्षक लोग हैं उनकी योग्यता की जांच की जाए। अच्छा। पहली बात यह कि अगर वे लोग सक्षम हैं, पढ़ाने की स्थिति में हैं तो जरूर पढ़ें, लेकिन अगर पढ़ा नहीं सकते हैं आपको स्वयं अज्ञान है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से इतना कहना चाहता हूँ कि आप भी पिता हैं, आपके भी बच्चे कहीं पढ़ रहे होंगे, बुझा हुआ दीपक किसी दीपक को जलाता नहीं है, ठीक है। जो टीचर स्वयं मरा हुआ हो, जो टीचर स्वयं गिरा गिरा सा कैसे दो नेगेटिव ऊर्जा का लिए हुए हो, वह हमारे बच्चों को क्या बताएगा। छोटा सा उदाहरण मैं देता हूँ, मान लिया जाए भारत सरकार ने गंगा का पुल बनाया, पटना में हूँ थी इसीलिए यहाँ का उदाहरण दे रहा हूँ, गंगा का पुल बनाने के पहले इंजीनियर ने बनाया होगा नक्शा, कितना वजन पड़ेगा, कितना पाया होगा, कितना सीमेंट लगेगा, कितना लोहा लगेगा, एक बहुत ही मटेरियल चीज़ है छोटा सा पुल, इसको बनाने के लिए कितनी प्रक्रिया पास कई 25 इंजीनियर ने पास किया होगा, भारत सरकार बिहार सरकार ने मुहर मारा होगा कि मैं संतुष्ट हूँ इस पुल के निर्माण से, चलिए पुल बनकर तैयार हो गया, किसी कारण से एक पाया में क्रैक हो गया। अब बताइए तो क्रैक होगा पूरे देश में हल्ला उठेगा, लोग आवेंगे इंजीनियर लोग उस पाया को करेक्ट करेंगे, बनावेंगे, ठीक कर देंगे, पुल चालू हो जाएगा। कभी आपने कल्पना किया है कि आपके बच्चे का प्रोजेक्ट कहाँ है, आप अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए किस इंजीनियर से
उसका भविष्य का नक्शा बनवाए हैं। कभी आपने विचार किया कि आपके बेटा आईएएस बनेगा, आईपीएस बनेगा, डांसर बनेगा, क्रिकेट बनेगा, पता नहीं कौन, धोनी बनेगा कि कुछ नाम सब है इन लोगों का, कि कोई गायक बनेगा कि डांसर बनेगा, कि कोई पत्रकार बनेगा कि प्रधानमंत्री बने, कौन जानता है जी। कभी किसी व्यक्ति ने इसकी जांच की कि इसकी प्रतिभा किधर जा रही है? डंडा मार के हम कहते हैं विज्ञान पढ़ो, सभी लोग कहते हैं जो कोचिंग में चलो, कहाँ तो कोटा है, वो कोटा में जाता है और उसका जीरो, देखिए रिजल्ट देखिए कोटा का, 0.1 कितना, 1 या 2 ऐसा उसका रिजल्ट है। महाराज जी, कोटा की बात आप कर रहे हैं, परीक्षा की तैयारियां, परीक्षा का प्रेशर और कुछ ऐसी भी बातें आ जाती हैं कि बच्चे जिंदगी त्यागने का रास्ता तक अपना लेते हैं। यह उसके लिए बच्चे दोषी नहीं है, बच्चे उसके लिए हम दोषी, हम बाप दोषी हैं। हमने अपने बच्चों पर थोप दिया है, इंजेक्शन दे दिया है कि देखो मैंने आईएएस की परीक्षा दी, फेल कर गया, मैं इंजीनियर नहीं बना, डॉक्टर नहीं बना, मैं रिजेक्टेड व्यक्ति हूं, मेरे कल्पना को, मेरे सपनों को तुम पूरा करो, हर हालत में तुम्हें इंजीनियर बनना है, और इसीलिए लोग कोटा भेजते हैं। वहां जाने के बाद लड़का समझ जाता है कि मैं तो रविन्द्रनाथ टैगोर बनने वाला हूँ, मैं तो भाभा बनने वाला हूँ, मैं तो धोनी बनने वाला हूँ, और जबरदस्ती ये स्कूल कहता है कि इंजीनियर बनो। जब नहीं होता है तो गलत सलत स्टेप उठा लेते हैं हमारे बच्चे। आपने, आपको कि हु आर यू टू डिसाइड द फॉर्चून ऑफ योर चाइल्ड, कैसे आपने निर्णय कर लिया कि बेटा इंजीनियर बनेगा? परमात्मा ने क्या बनाया है कौन जानता है। तो ऐसी परिस्थिति में परमात्मा पर भरोसा करिए, बच्चों की प्रतिभा को जांच करिए। अब प्रश्न हो गया, दूसरा सवाल आपने पूछा, परीक्षा के दिनों में बड़े तनाव में रहते हैं लोग बच्चे, ये बात सही है। अब मैंने एक स्लोगन दिया है यहाँ पूरे देश में, जब मैं घूमता हूँ तो मैंने कहा है कि मेक द एग्जामिनेशन ए फेस्टिवल, परीक्षा को एक महोत्सव बनाओ, और उसी पर मैंने लिखा, यह पंपलेट मैंने तैयार किया, बच्चों को बंटवाता हूँ मैं फ्री। जब परीक्षा के दिनों में आप कैसे रहें, यह लाखों प्रत्येक साल मैं बंटवाता हूँ लोगों को, कि परीक्षा के दिनों में मानसिक तनाव से बचे तो कैसे बचे। तो मैं यही कहता हूँ कि परीक्षा के 2 दिन पहले पढ़ाई छोड़ दो, अच्छा। खूब सो, खूब पानी पियो, खूब गीत गाओ, आनंद बनाओ, और परीक्षा के दिन में जब जाओ तो किसी व्यक्ति से बातचीत मत करो। यह गुर मैंने अपने जीवन से सीखा है। 1955 में जब मैट्रिक की परीक्षा मैंने दी तो उस समय मैंने यही निर्णय किया कि हॉल में मैं जाता था, चुपचाप बैठ गया, किसी व्यक्ति से बातचीत नहीं करता था। क्वेश्चन आया, एक एक क्वेश्चन को पहले देखा, टिक किया, और जो सबसे अधिक क्वेश्चन आता था उसको मैं पहले लिखता था। नतीजा यह हुआ कि एमए तक PhD मैंने किया और मुझे इसी में सफलता मिली। मैं चाहता हूँ ये गुरु हमारे बच्चे जाने, परीक्षा के दिनों में किसी से पर बातचीत न करें। होता क्या है, बगल का लड़का हमेशा चाहता है कि इसको हम डिस्टर्ब कर दें। तो मैंने यही कहा था कि परीक्षा के में हॉल में जब तू जाओ, पानी पियो, आँख बंद कर गुरगुराते हुए बैठो, क्वेश्चन आवे पढ़ो और एक एक क्वेश्चन का उत्तर लिखो, बाहर चले आओ, क्वेश्चन का आंसर मिलाओ मत किसी से, इन्फिनिटी कम्प्लेक्स हो जाती है। तो मैं इसमें इतने वर्षों से, मेरा 58 साल हो गया, 58 साल से मैं शिक्षा में हूँ, तो इसलिए मेरा अपना व्यक्तिगत अनुभव है। मैंने तो देश के बहुत लोगों को देखा है, जितने चाइल्डिश बिहेवियर ये लोग कर रहे हैं, यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हो या बड़े कॉलेज के हेड ऑफ डिपार्टमेंट हो, ये सब चाइल्डिश बिहेवियर करते हैं। तो इनको समझने के लिए, बच्चों को समझने के लिए, बच्चा बन के बच्चों की मानसिकता होनी चाहिए। और इसी परिस्थिति से बचने के लिए तीसरा प्रश्न यह है कि हाउ टू बिहेव विद द चिल्ड्रन। तीसरी बात है कि जब आप टीचर हैं और टीचर ऐसा हो कि मुस्कुराता हुआ हो, गीत गाता हुआ, डांस करता हुआ हो, गुनगुनाने वाला टीचर हो, मैं तो आपको भी कहता हूँ कि आपको दिन में बहुत क्रोध आता हो तो सुबह में जब सो कर उठिए तो गीत गाना शुरू करिए,
गुनगुनाने वाले को कभी क्रोध आ ही नहीं सकता है। तो ऐसे टीचर को अगर पास कर देते हैं, प्रिंसिपल इज 100% रिस्पॉन्सिबल, जो कैसे टीचर से आपके बच्चे का भविष्य का निर्माण करा रहे हैं वो। इस स्कूल को आपने देखा, आचार्य सुदर्शन जी महाराज विद्वान आदमी हो रहे, हमारे बच्चे पर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा यह देखने की जरूरत। अगर कोई गलत टीचर पहुंच गया, राम को श्याम पढ़ता हो, तो ऐसे टीचर से आपके बच्चे का भविष्य बिगड़ेगा। इसलिए इस पर कंप्रोमाइज मत करिए। टीचर ऐसे हों जो क्लास में जाए तो कमर लचकाते हुए, गीत गाते हुए, मुस्कुराते हुए, स्माइलिंग, मैंने किताब लिखी है अंग्रेजी में है स्माइलिंग बर्ड्स, मुस्कुराते हुए क्लास में आप जाएं, गीत गाते हुए जाए, चर्पिंग, देयर शुड बी चर्पिंग इन द क्लासरूम। वह चहचहाट और चिड़ियों की होती है, वैसे क्लास का वातावरण हो। आप देखिएगा क्लास में जब टीचर जाए तो मुस्कुराते हुए जाए, गुड मॉर्निंग बच्चे, चिल्ड्रेन, हाउ आर यू, इस तरह मुस्कुराते हुए, और कहिएगा बच्चे चहक के जवाब देंगे। लेकिन आज ऐसा कहीं नहीं हो रहा है। हम आप चैनल वाले को कहते हैं जी स्कूल में घुस के इनका इंटरव्यू लो, कितने बच्चे परेशान है टीचर से, इतना तानाशाह चंगेज खां बैठे हुए हैं। इन लोगों पर भारत सरकार को चाहिए कि प्रतिबंध लगावे, क्योंकि वे तो बिगड़े हुए हैं, आपके बेटा को भी बर्बाद कर देंगे। तो एक तो यह उसका होना चाहिए वातावरण क्लास का, क्लास से जब निकले बच्चा तो ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। बच्चा जब यहां से निकले तो प्रिंसिपल उनको सी ऑफ करे बच्चे को, चलिए थैंक यू, वेरी गुड, स्माइलिंग। प्रिंसिपल को गेट पर खड़ा हो करके आप उनसे सी ऑफ करवाइए, सारे बच्चे घर चले जाएं। अब माता पिता की बात शुरू हो गई। अब माँ को चाहिए या पिता को चाहिए, जो वही बच्चा अब घर में प्रवेश करे तो खड़े होकर वेलकम वेलकम, माय सन, कम ऑन, वेरी गुड, हाउ वाज द डे, कैसा था दिन आज, बताया भाई बहुत बढ़िया बढ़िया, स्माइलिंग स्माइलिंग, चलो बेटा किताब निकालो, हटाओ, जूता खोलो, चप्पल खोलो, टाई खोलो, जगह पर रखो, वहाँ जूता रख देने का जगह है वहाँ रखवाइए, अच्छा जाइए हाथ धो लीजिए, अच्छा ये हम लोग खाना खाते हैं। गिव प्रॉपर रेस्पेक्ट टू द चिल्ड्रन, ताकि देखिएगा कि बच्चे धीरे 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 आपको मनोबल बढ़ता जाएगा। दूसरी बात, appreciate the good merits of your child. प्रतिदिन सुबह में सोकर उठिए तो बच्चे से बात करिए, वाह बेटा तुमने तो बहुत अच्छा कर दिया, जानते हो दुनिया के लड़के इतने बिगड़ गए हैं, यू आर द बेस्ट, चलो आज गांधी मैदान चलते हैं। गांधी मैदान जाइए, चिनिया बादाम खरीदिए, तो रुमाल बिछा के दोनों बाप बेटा पत्नी के साथ बैठिए, कभी हाथी बन जाइए, बेटा को पीठ पर चढ़ाइए और वह खेलिए, बिकॉज योर सन नीड्स फादर, उसको फादर का प्यार दीजिए। माँ को भी चाहिए कि उसको माँ का वात्सल्य उसको दे। हम लोग स्कूल वाले देखते हैं प्रतिदिन, घर से जो बच्चे हम लोगों के स्कूल में आते हैं तो कभी थोड़ा सा भुजिया लेके आते हैं नाश्ता में, कभी एगो ब्रेड लेके आते हैं, यही है आपका। माँ को फुर्सत नहीं है, पिता को फुर्सत नहीं है, रात के 10 बजे पिताजी ऑफिस में बैठे हुए हैं, माँ जैसे सीरियल देख रही है, बच्चा उपेक्षित पड़ा हुआ हो, सोचा मेरे भाई आपके जीवन से मुझे कोई लेना देना नहीं है, मुझे चाहिए हमारा बच्चा का मुस्कुराता हुआ भविष्य। और इसीलिए मैंने मांग की थी कि हमको कोई विकास का काम नहीं चाहिए, रोड, सड़क, बिजली, ब्रा कुछ नहीं चाहिए, हमारे बच्चों को मुस्कुरा दो, हमारे बच्चों को हंसा दो, हमारे बच्चों को पढ़ा दो, इसके सिवा कुछ नहीं चाहिए, बच्चे अपनी दुनिया स्वयं बना लेंगे। तो आपके चैनल के माध्यम से सभी माता पिता को हम एक बार फिर धन्यवाद देते हैं कि अगर आप सुन रहे हैं तो बड़ी अच्छी बात है, नहीं सुन रहे हैं तो यूट्यूब पर जाकर देख लीजिएगा। और मैं तो प्रतिदिन आ रहा हूँ टीवी पर, बच्चों की प्रत्येक समस्या का मैं उत्तर दे रहा हूं, क्योंकि मेरा यह अनुभव है, मेरा यह विषय है। शिक्षा के सिवा मुझे जीवन में कुछ आता भी नहीं है, केवल मैं शिक्षा जानता हूं। इसलिए मेरे भाई आपके माध्यम से सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत धन्यवाद, आपने हमारे लिए वक्त निकाला जी, ये भी। तो महाराज जी ने अपने खूबसूरत विचार आपके सामने रखे, आप बने रहे हमारे चैनल के साथ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।